हेलो दोस्तों, निम्बस एजुकेशन के चैनल पे तुम सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा मेंटर दोस्त मनीष पुरोहित और आज मेरे साथ है मानवेंद्र। मानवेंद्र से अपन मिल चुके हैं। मैं सटीक और सीधी बात बोल देता हूँ, आज का जो वीडियो है ना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए। अगर तुमने सपना देखा है भाई फेसबुक, अमेजन, अडोब, मॉर्गन स्टैनले, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, इन कंपनीज में मोटा पैकेज लगाने की, मोटा पैकेज बोलते हैं 25-30 लाख का पैकेज या ऑन अपवर्ड साइड ऑफ दैट, या फिर अगर तुम्हारी इच्छा है यार मैं तो यूएस में जाकर सेटल हो जाऊं, डॉलर्स में कमाऊं, मिलियंस फोड़ूं, तो उस सिलेक्शन प्रोसेस की जो बेस है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यही है इंट्रोडक्शन इस वीडियो का कि आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उस अनाउंसमेंट को करने के लिए मेरे पास सेनापति मेरा साथ में मौजूद है। इसने ही पूरी चक्रव्यूह की रचना करी है जो कि तुम बच्चों को हेल्प करेगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जो कि काफी हद तक एक ऐसे पर्टिकुलर स्किल या टैलेंट जो भी तुम बोलो जिसको चेक करता है, जिसका नाम मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और भी कोई और नाम से जाना जाता होगा, बट बेसिकली उस चीज को सुधारने की एक कोशिश हर बच्चा करता है। इसने भी करी है। कैसे करी? इसने अपने लेवल पे अलग 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 किसी चैनल को, किसी बुक को, कहीं और से, कहीं से सब्सक्रिप्शन लेके, पता नहीं कहां कहां से इसने उस पूरे रिसोर्स को इकट्ठा किया, सीखा, समझा, जाके अपने इंटरव्यू में गया, खुद के इंटरव्यू में भी गया और कुछ IIT मुंबई और इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, जो बढ़िया वाले बच्चे होते हैं, उनके भी इसने काफी हेल्प करी, पढ़ाया, सिखाया, समझाया। अभी ये अपने जूनियर्स को भी पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने लेवल पे उस रिसोर्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये मेरे पास आया और इसने बोला कि यार सर कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये रीच बढ़ा दें इसकी। मैंने कहा वेरी वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल टू डू एंड इट हैज टू बी डन। तो हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए, ठीक है, जिसको आपको नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पे जाके नहीं देखना है, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, और जिसके अंदर हाउ मेनी वीडियोस विल बी देयर, समथिंग अराउंड 50-60, तो 50-60 वीडियो होंगे और वो 50-60 वीडियो जो होंगे वो कंफर्म कर देंगे तुम बच्चों के लिए गारंटीड कि डायनामिक प्रोग्रामिंग या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो तुम्हारा एकदम पकड़ में आ जाए, कहते हैं ना आयरन फीस्ट हो जाए उस पर, तुम्हारी ऐसी जकड़ में आ जाए कि निकल ना पाए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ है मानवेंद्र। मानवेंद्र ने अभी रिसेंटली ही अपना जॉब लगाया है। ये फोर्थ ईयर का बच्चा है, बीटेक अपनी ये कर रहा है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से, और इसने अभी एक जॉब प्लेसमेंट, जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, उसको क्रैक किया है। एंड राइट नाउ ही इज हेल्पिंग मोर देन 50 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। किस में? डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो मैं ये चाहता हूं कि ये 50 को नहीं, 50,000 की हेल्प करे, ये 5 लाख की हेल्प करे। उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज यूट्यूब, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कि इसकी रीच तुम सब बच्चों तक पहुंचे। अब बाकी सारी चीजें, क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं इस दिवाली पे, जो धमाका हम करने वाले हैं वो मानवेंद्र बताएगा। सो हाय दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया हो। So I'll give a brief about how we are going to proceed in dynamic programming. So firstly, let's try to feel dynamic programming kya hai. Like aisa nahi hoga ki bas jo bookish ki apan ne knowledge padhi aur bas khatam. Apan usko samajhne ki koshish karenge ki wo hai kya, kahan se uska janma hua. Like aisa hua ki bas kisi ne direct apne ko formula bata diya aur dynamic programming aa gayi. Nahi, apan usko starting se dekhenge ki kahan se wo idea aaya aur zarurat hi kyun padi us idea ki. Kya usse pehle koi idea the? Like starting from recursion, एक टेक्निक थी वहां पे, तो उससे अपग्रेड करके अपन किसी और चीज पर, और फिर उसके बाद है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। तो वो जो रास्ता है ना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीधा अगर अपन चोटी पे जाके खड़े हो जाते हैं ना एक पहाड़ के ऊपर, तो वो मजा नहीं आता। जब अपन रास्ते में चढ़ते चढ़ते जाते हैं ना कि यार एक कदम के अंदर ये चीज समझी और जर्नी को समझा, तो मजा आता है। तो जैसे हिस्ट्री के बारे में आपको पता पड़ता है ना कि ये आपकी हिस्ट्री थी और ऐसे हुआ है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो अब आगे क्या करना है, ठीक उसी तरह अपन पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे कि अपन कैसे उस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन जब प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे करे, तो ऐसा लगता है कि सब अलग अलग क्वेश्चन है। बट मैं क्या नोट्स बनाते हुए चला, तो मुझे जल्दी जल्दी ऐसे मतलब एक एक जब क्वेश्चन देखता गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे थोड़ा ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि क्वेश्चन कैसे आपस में रिलेटेड है। तो मैं उस रिलेशन को लिखते गया कि कैसे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हुआ क्या, टुवर्ड्स द एंड मेरे दिमाग में यही था कि जो मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प करी, मैं मेरे जूनियर्स की हेल्प कर दूं, तो मैं उन लोगों के लिए नोट्स बनाते हुए चल रहा था। ऑब्वियसली मैं खुद के लिए भी बना रहा था, बट मेरा मोटिव यही था जब मैं नोट्स बना रहा था कि यार ऐसे समझू कि मैं किसी और को समझा पाऊं।
तो मैंने क्या करा, एक उनको संक्षिप्त के अंदर अलग अलग क्लासेस बना के रखी मैंने। ये क्वेश्चन इससे सिमिलर है उसको इस क्लास में रख दिया, ये क्वेश्चन इससे सिमिलर है इसको इस क्लास में रख दिया। तो कैशियर करता है ना कि जो नोट आता है उसको सही से सॉर्ट करके रखता रहता है, वैसे ही मैं करता गया। मैं उन क्वेश्चन के अंदर रिलेशन फाइंड करता गया कि क्या रिलेशन है। देन मुझे कहीं ना कहीं अलग अलग, मैंने खूब सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो उनका जो विजुअलाइजेशन होता है कि कैसे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच जो अपन करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है लाइक कि किसी किसी क्वेश्चन में आप ऊपर से शुरू कर रहे हो फर्स्ट रो से ऑल द वे अप टू नीचे जाते हो, किसी के अंदर आप डायगनल लेते हो। तो बाकी सब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा देखा कि हाँ अच्छा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं और बस शुरू हो जाते हैं कोड करना। ऐसा नहीं होता, एक तरीका होता है, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा इसके ये पार्ट हैं, तो इसका मतलब है अपन इसमें ये चीज लगा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर वे जो होता है ना, आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी पढ़ाई करो, आप हमेशा एक स्ट्रक्चर वे में करते हो ना, तो आपको अगर मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज भी दे दूं ना, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो यही मेरा मोटिव है कि आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर वे के अंदर पढ़ाना ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए आप उसको कर सको। तो अपन देखेंगे कि अपन एक एक क्लास का एक एक, जैसे अपन C++ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेते हैं ना प्रोग्रामिंग, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास क्लास होती है और क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक उसी तरह अपन क्या करेंगे, एक क्लास का अपन एक टेम्पलेट पैरेंट क्वेश्चन टाइप या टेम्पलेट क्वेश्चन टाइप कर लेंगे और उस क्वेश्चन से अपन देखेंगे कि बाकी जितने भी सारे अपने क्वेश्चन है कैसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लाइक 150 to 200 क्वेश्चन, आप पहले सिर्फ 10 क्वेश्चन करो और बाकी के 190 क्वेश्चन को देखो कैसे वो उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड है और अपनी जिंदगी आसान बनाओ। अरे इन दी एंड तो यही करना है, अपन ने भी इंजीनियरिंग करी है तो कुल मिला के बनाना तो अपने को चीज का आसान ही है, यही होता है ना अपने इंजीनियर के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम दे दो कैसे ना कैसे करके उसका आसान बनाओ। तो यही अब मैं करने वाला हूँ आपको जल्दी, पूरा एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आपके साथ, आपको एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू के लिए हो, चाहे वो आपके कॉलेज के लिए हो, या चाहे आपको अपने जूनियर्स को पढ़ाना हो, इन सबके लिए एक पूरा सब कुछ मैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखूंगा ताकि आपको बहुत इजीली ये सब मिल जाए। तो भाई ऐसा है दोस्तों, मेरे को लगता है कि मे बी कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों का मतलब आई कैन से मे बी 4-5 दिनों के अंदर, लेकिन पक्का पक्का दिवाली से पहले हम ये बॉम्ब फोड़ेंगे, ये पटाखा दिवाली से पहले आएगा और इस दुकान पे, पटाखे की दुकान पे आपको सारी वैरायटी मिलेगी। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर एनी क्वेरी दैट इज रिलेटेड टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो कहते हैं, जो कि प्लेसमेंट्स और कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था क्योंकि मेरे को ये तुम बच्चों को इंट्रोड्यूस करना था, मानविंदर से भी तुम सबको रूबरू करवाना था, इसके बारे में तुमको बताना था, जिससे कि तुमको भी पता चले कि कौन है जो तुमको डायनेमिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाएगा और तुम्हारी जिंदगी की डायनेमिक्स को बदल देगा। ठीक है, तो काफी डायनेमिज्म हो गया अब इस पूरी डिस्कशन में। तो दोस्तों फिर से बोलता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तुमको। दिवाली का टाइम आ रहा है, पहले बीमार होना मत, दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली के बाद भी बीमार नहीं होना है। वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, नोटिफिकेशन तुमको आते जाएंगे। आई थिंक जो इसका प्लान है वो कुछ ऐसा है कि ये 10 पार्ट में अपलोड करेगा उसको और हर एक पार्ट से रिलेटेड वीडियोज होंगे, तो वो हम चौकआउट करेंगे कि कैसे क्या करेगा ये, एंड देन वो सारी डिटेल्स भी तुम बच्चे लोगों के साथ हम जो है वो शेयर करते चलेंगे। ठीक है, विल क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर दिस, जिससे कि तुम वो क्या कहते हैं ना, टच में रहो, कॉन्टैक्ट में रहो, अपनी क्वेरीज पूछ सको। तो टेलीग्राम चैनल भी रहेगा इसके लिए, जहां पे तुमको आई विल ट्राई आर बेस्ट कि तुमको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट मटेरियल जो भी चाहिए है। सो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो इस इंफॉर्मेशन के साथ कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हैं तुम बच्चों के लिए, और अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन बड़ी कंपनियों के जो गेट हैं वो तुम्हारी रीच के बाहर नहीं रहेंगे। बी रेडी टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, तब के लिए बाय, जय हिंद।